यूपी के अयोध्या को रामनगरी भी कहा जाता है, जहां पर रामलला का भव्य राम मंदिर तैयार किया जा रहा है। लेकिन यहां एक और मंदिर है जिसमें दर्शन के लिए बिना रामलला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इस मंदिर का नाम है हनुमानगढ़ी। ये वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान का मंदिर है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि अयोध्या में आने से पहले हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि राम जी ने जब हनुमान जी को ये मंदिर दिया था तब उन्होंने कहा था कि जब भी कोई भक्त अयोध्या आएंगे तो वो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे। इस बात का वर्णन हमारे अर्थवेद में भी है। हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों को 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मैं मौजूद हूँ इस समय अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में। बहुत कम लोगों को इस मंदिर का इतिहास पता होगा। अयोध्या की ये बहुत पुरानी मंदिर है। यह मंदिर शहर के बीचों बीच था और यहाँ की मान्यताएं ये हैं कि इस मंदिर में जो भी लाल चढ़ावा चढ़ाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज कोई विशेष दिन नहीं है, लेकिन देखिए कितनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ देखी जा सकती है। इस मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर को हनुमान जी के घर के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था, इसलिए इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। गर्मियों में इस मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे खुलते हैं और रात 10 बजे बंद होते हैं, जबकि सर्दियों में मंदिर के पट सुबह 6 बजे खुलते हैं। ऋतु कोई भी हो, मंदिर में श्रद्धालुओं की हमेशा भीड़ रहती है। मंगलवार को प्रभु हनुमान के भक्त बड़ी मात्रा में हनुमानगढ़ी दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि हनुमानगढ़ी के हनुमान जी अयोध्या की रक्षा करते हैं और वे कलयुग के राजा हैं। उन्हें अयोध्या का प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, इसलिए अयोध्या में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले बजरंग बली से अनुमति ली जाती है। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत गौरी शंकर दास के अनुसार इस मंदिर का इतिहास आज से 300 साल पुराना है, सिराजुद्दौला के समय का है। उस समय नवाब सिराजुद्दौला को कोई बीमारी हो गई थी। नवाब यहां पूजा अर्चना करने वाले बाबा अभयाराम दास जी के पास आए और स्वस्थ हो गए। उसके बाद स्वामी अभयाराम दास जी के निर्देश में सिराजुद्दौला ने इस मंदिर का निर्माण कराया। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस मंदिर में कोई भी भक्त अगर हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाता है तो उसे सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की मूर्ति भी लगी हुई है।